एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 8। स्मॉल आर गिवन है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द बाउल इज 0.25 सेंटीमीटर। ऐसे है देखो, इसका इनर वाला रेडियस 5 है, इसकी जो थिकनेस है वो 0.25 है, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? ये थिकनेस दी हुई है तो आउटर हो जाएगा, तो आउटर हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। आपने फाइंड करना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ आउटर, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? क्लियर है आउटर के लिए? अगर इनर होता तो आप स्मॉल आर लेते, नाउ वी आर फाइंडिंग आउटर तो आप कैपिटल आर लोगे। 5.25 × 5.25, डेसिमल रिमूव करके ये हो गया। ठीक है, कटिंग देख लो हो रही है, इसे 7 से आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 44 × 75 × 525 upon 10,000। हाँ जी, मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाओ, जल्दी फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो इसे। क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके आंसर? क्या आ गया इसका? कर्व्ड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर नाइन इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सिलेंडर है, ये एक स्फीयर को पूरा कवर कर रहा है। एक स्फीयर है, जितना उसका डायमीटर है उतनी ही इसकी हाइट है, या समझ लो इसका डायमीटर है। ठीक है, मतलब पूरा फिट है। जो बॉल है ना, या स्फीयर शेप की जो भी मटेरियल है, उसको सिलेंडर पूरी तरह से कवर कर रहा है, मतलब फिट है वो, उसके अंदर फिट आ रहा है। इसका क्या मीनिंग है? जितनी सिलेंडर की हाइट होगी उतना ही उस स्फीयर का डायमीटर होगा, मतलब स्फीयर का जो डायमीटर है, रेडियस अगर आर है तो डायमीटर 2R हो जाएगा, वही हाइट ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? फर्स्ट आपको कोई नंबर में कोई भी चीज नहीं गिवन है, जो डिटेल है वो आर और एच में ही गिवन है, कुछ और नहीं गिवन। रेडियस गिवन है स्फीयर का, दैट इज स्मॉल आर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी? 2R हो जाएगी। अब फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर की जगह आर ही आएगा, तो यही आंसर है, सॉल्व नहीं होता। सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की जगह आर आएगा, हाइट इज 2R,
टू टू जा फोर पाई आर स्क्वायर, क्लियर है? इसका मतलब जितना स्पेस स्फीयर ले रहा है उतना ही सिलेंडर ले रहा है, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया सेम, ठीक है? थर्ड पार्ट में फाइंड करना है इन दोनों का जो आंसर आया इसकी रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज टू, 1:1 बिकॉज दे आर सेम। अगर आपको ये कहा जाए दो चीजों की जो लेंथ है वो सेम है या दो चीजें सेम स्पेस ले रही है, इसका मतलब उनकी रेशियो 1 होगी, इक्वल है ना, इसलिए। अब आपने थर्ड पार्ट में फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, रेशियो फाइंड करनी है, दैट इज 1:1। थर्ड पार्ट इज रेशियो दैट इज 4πr², 4πr² दैट इज 1:1, ठीक है? क्लियर है ये नोट करो, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। वो लिख के प्रैक्टिस करने के लिए है, आप लिखोगे ना जब उस चीज को सॉल्व करोगे खुद 2-3 times तब आपको क्लियर होगा। आपने किया ट्राई? हाँ जी, रहता था उसका रिलेशन आया था ना, पार्ट सॉल्व करना था, करवा दो, ठीक है? मतलब 7th हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, कर लेते हैं इसके बाद। ये नोट कर लिया आपने, डन। चलो देखो इधर 7th क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये डायमीटर ऑफ मून है इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर का मीनिंग क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। हमने मून के रेडियस को ले लिया, रेडियस ऑफ मून जो है वो है क्या लिया था, और रेडियस ऑफ अर्थ को क्या लिया था, ठीक है? तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, क्या है रेडियस, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर हो गया, ये कटिंग कर दी 2, ये 2 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके, 4 स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल, इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट इज 4 times द रेडियस ऑफ द मून, ये रिलेशन आ गया, ठीक है? सेकेंड पार्ट, अब जो इसका आपको मेन करना है सॉल्व वो है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब आपके पास दो चीजें हैं, आप क्यों कहते हैं डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो पहले मून कह रहा था तो हम पहले मून का लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून S1, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ व्हाट इज द फॉर्मूला, 4πr² 4πR², ये कैंसिल हो गया, R² इज बाय कैपिटल R² आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, 4R, यहाँ पुट कर दो, कैपिटल R की जगह 4R पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, दिस इज R² बाय 16R², ये कैंसिल 1:16, ठीक है? तो डायमीटर ऑफ मून, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 1:16, ठीक है? अगर अर्थ का ऊपर करना हो तो रेसिप्रोकल कर देना, अगर अर्थ का ऊपर रखना हो 16:1 हो जाए, अभी 1:16 आ रहा है। अगर ये कहा हो कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ टू सरफेस एरिया ऑफ मून, तो अर्थ पहले आएगा, अभी नहीं कहा तो जो पहले लिखा दैट यू विल टेक फर्स्ट, क्लियर? ये रिलेशन मेन है, यू कांट स्टार्ट विदाउट द रिलेशन बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी रिलेशन बिटवीन द रेडियस। नाउ एक्सरसाइज 13.5 दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड that we are going to start. Yes, what is the volume of cuboid? LBH, area of base into height. Area of base means LB into height, H, so that will become LBH. What is the volume of
क्यूब, ए क्यूब, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट दैट इज ए स्क्वेयर इंटू ए दैट इज ए क्यूब. नाउ 13.5, फर्स्ट क्वेश्चन. ए मैच बॉक्स मैयर 4 सेंटीमीटर, 2.5, 1.5, वॉट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट दैट कंटेन 12 सच बॉक्सेस. एक बॉक्स की डायमेंशन गिवन है. आपने देखा होगा मैच बॉक्स जो एक स्मॉल वाला है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, ऐसे होता है. इसकी लेंथ ब्रेथ 4, 2.5 और 1.5 गिवन है. कहते हैं अगर 12 मैच बॉक्सेस एक पैकेट में पैक कर दिए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा. पहले एक का वॉल्यूम निकालेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 12. देखे ना बड़ा पैकेट आता है मैच बॉक्स का, उसमें छोटे छोटे मैच बॉक्स पैक किए होते हैं. सेम वे में एल बी इंटू एच. बी श्योर अबाउट द यूनिट दैट वी हैव सेम. नाउ वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज एल बी एच 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, 25, 4 जा 100, डेसिमल लगाएंगे 10 बन जाएगा, इंटू 1.5 दैट इज 150, 15, डेसिमल रिमूव किया 10, कैंसिल, आंसर इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस चार्वी, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्स. हाँ जी, 12 इंटू 18 क्या होगा, क्या आएगा आंसर. ठीक है, मींस इफ यू पैक 12 मैच बॉक्सेस टुगेदर द पैकेट हैज वॉल्यूम 180 सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर टू होमवर्क है, सेम है, कर लेना. एक मिनट बात सुन लो जरा, ये क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सेम है. एक आपके पास क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है एंड ऑल द थिंग्स हैव द यूनिट मीटर. आपको मीटर को लीटर में चेंज करना है. ठीक है, आपने देखा होगा वैसे मिल्क वगैरह जो हम लेते हैं सब लीटर में होते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर जहाँ पे वाटर की वॉल्यूम की बात करेंगे वहां लीटर में चेंज करेंगे. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकाल लेना पहले क्यूबॉइडल टैंक का LBH. जो आंसर आएगा उसको लीटर में चेंज करने के लिए यूनिट लर्न कर लो. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल चेंज टू लीटर. क्लियर है, ये यूनिट जो है ये लर्न करनी है. अपनी फेयर नोटबुक पे जहाँ काम कर रहे हो आप उसके टॉप पे लिख लो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. और एक मिनट यहां देखो, 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के इक्वल होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में करना हो तो रिवर्स होता है. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर की. तो आप एक लर्न कर लो, दूसरा उसका रिवर्स है. अगर आप दोनों लर्न करते हो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. वैसे फाइंड कर सकते हैं कैसे, बता सकते हो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं कैसे. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्यूब है इसका मतलब 3 बार 100 आएगा, 3 बार 100 आएगा. और यहाँ कितना है 1000, ये 30 के साथ ये 30 कैंसिल, आंसर आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. एनी डाउट, उसी को चेंज करके बनाया. तो बेटर टू लर्न 1 यूनिट, अदरवाइज दोनों कंफ्यूज कर देंगे आपको. एक लर्न कर लो, सेकेंड यू कैन फॉर्म. क्वेश्चन नंबर टू इज होमवर्क. थर्ड क्वेश्चन, होमवर्क मीन्स होमवर्क, समझ गए ना. कल किसी की भी नोटबुक देख ली, नहीं हुआ ना देखना फिर. एक क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ मच मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक लीटर ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड. एक क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ हो गई 8 मीटर वाइड, मतलब ब्रेड्थ हो गई हाइट. कहते हैं इस क्यूबॉइडल वेसल की हाइट कितनी इंक्रीज की जाए
इट कैन होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड. ये क्या गिवन है, ये क्या दी हुई है, यूनिट से पता चल रहा है, ये वॉल्यूम गिवन है. यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, एल की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 8, एच यू हैव टू गेट, सो डिवाइडेड 380 बाय क्या आएगा, 10 इंटू 8, कटिंग कर दो 4.75, ठीक है ना. ये आ गई हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4, चुप कर जाओ. एक वेल है, इधर देखो, वेल जो है वो कौन सी शेप में होता है, वैसे सिलेंडर होता है ना, लेकिन यहां पे कहते हैं, अभी ये वेल का क्वेश्चन ये सिंपल है, कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट. एक क्यूबॉइड की शेप में आपने स्पेस खाली करना है, क्यूबॉइड की शेप में ग्राउंड के अंदर. जब आप उसके अंदर से सारी सॉयल बाहर निकाल लोगे, तो जो सॉयल बाहर निकालोगे वो किसके इक्वल होगी, उसके वॉल्यूम के इक्वल होगी. एक क्यूबॉइडल पिट है, इसके बीच में से सारी सॉयल आपने बाहर निकाल ली, खाली कर दिया उसे, ये सारा एम्प्टी हो गया, तो जितनी सॉयल आपने बाहर निकाल दी, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट. ठीक है, इसका मतलब जितनी सॉइल बाहर आई वो इस पिट का वॉल्यूम था. ठीक है, इसकी कैपेसिटी थी, इसके अंदर कितनी सॉइल थी. अब इसको कॉस्ट निकालनी है कि इसको जब आपने एम्प्टी करवाया है, किसी लेबर से करवाया होगा, उसको कितने पैसे देने हैं. वॉल्यूम निकाल के कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई. मेन यहाँ पे ये बता होना जरूरी है कि वॉल्यूम फाइंड करना है या एरिया. वो एरिया कब होता है, जब सिर्फ ग्राउंड से, अगर आप सिर्फ यहाँ पे सपोज करो ग्राउंड के ऊपर ये क्यूबॉइडल पिट है, ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे ग्रास लगी हुई है, आपने सिर्फ ग्रास उससे निकलवा दी, तो सिर्फ फ्लोर खाली कर दी ना, तो एरिया निकालते बेस का. लेकिन अब यहाँ से पूरी ही सॉइल बाहर निकलवा दी, तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिट. तो यू विल फाइंड द वॉल्यूम, राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ, साइड पे कुछ लगाना है, टेपिंग करनी है, साइड पे रोप लगानी है, तो फिर पेरीमीटर आता वही 4 into A, 4 into L प्लस 4 into B प्लस 4 into H. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट इज L B H. L इज 8, B इज 6, H इज 3. Cost of digging is equal to 144 into 30. Karo multiply. This is the cost of digging the pit. Means इसको खाली करवाने में 4,320 rupees pay करने हैं labor को. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस, ये इजी एक्सरसाइज, इसमें बस एक आधा क्वेश्चन आएगा अभी आगे जाके, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज इजी है. क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 liter. क्या मीनिंग है इसका, पुष्टि क्या दे रखा है, सुना ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं सुना, वेरी गुड. कैपेसिटी मीन्स राइट डाउन, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 50,000 लीटर में दिया हुआ है, तो
तो लीटर को या तो मीटर में चेंज करेंगे या सेंटीमीटर में, डिपेंडिंग अपॉन द अदर यूनिट्स। वॉल्यूम इज 50,000 लीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ, आपने ब्रेथ फाइंड करनी है। लेंथ इज 2.5 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर। रेस्ट ऑफ द यूनिट्स आर इन मीटर, तो आप इसको मीटर में चेंज करोगे। वी हैव जस्ट लर्न 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर आप मीटर क्यूब से लीटर में जाते हो तो मल्टीप्लाई, अब आप लीटर से मीटर में आ रहे हो तो डिवाइड बाय 1000, क्या आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया, एंड द वॉल्यूम वी हैव फॉर्मूला LBH इज इक्वल टू 50। किसकी आवाज आ रही है? LBH इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। L इज 2.5, ब्रेथ वी हैव टू गेट, हाइट इज 10, B इज इक्वल टू 50, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, वैसे कर देते हो तो क्या आ रहा है 25। ठीक है, नहीं कर रहे तो यहां ले आओ, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो 2 मीटर। Any doubt? A village having a population of 4,000 require 150 liter of water per head per day. देखो इधर, एक विलेज में 4,000 की पॉपुलेशन है, वन पर्सन के लिए 150 लीटर वाटर चाहिए, तो 4,000 के लिए कितना चाहिए? 4,000 into 150, पर पर्सन के लिए 150 लीटर पानी डेली चाहिए वाटर, तो 4,000 के लिए पर डे कितना चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब एक विलेज में वन डे के लिए इतना वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब कहते हैं उस विलेज में ना एक टैंक है, जैसे वो वाटर टैंक लगा हुआ ना बाहर, अब वो सारा पानी एक दिन में थोड़ी फिनिश हो जाता होगा, हो जाता होगा नहीं होता होगा, 2 डेज या 3 डेज या 4 डेज इस कॉलोनी में पूरा यूज हो जाता होगा। ठीक है, मतलब एक इस कॉलोनी में जितने भी होंगे रेजिडेंट उनके लिए या 3-4 डेज की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता होगा। अब मुझे ये बताओ, जो पर डे की रिक्वायरमेंट है वो वाला वाटर ज्यादा है कि टैंक का वॉल्यूम ज्यादा है? तो आपने भी यही करना है, एक विलेज है उसमें एक टैंक दे रखा है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, उस टैंक का वॉल्यूम निकालना है, पर डे की वॉटर रिक्वायरमेंट निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ टैंक को पर डे रिक्वायरमेंट से डिवाइड करना है, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वॉटर विल लास्ट। गॉट इट? आपको ये बताना था कि पर डे की रिक्वायरमेंट जो है वो कम है और जितना टैंक का वॉल्यूम है वो ज्यादा है, क्योंकि टैंक में जो पानी है वो एक दिन में नहीं फिनिश होता, 2 या 3 डेज या 4 डेज चल जाता है, तो टैंक के वॉल्यूम को 1 डे की रिक्वायरमेंट के साथ करना है डिवाइड। ठीक है, तो आप सबसे पहले पर डे रिक्वायरमेंट फाइंड करोगे, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4,000 पीपल पर डे इज 4,000 इंटू 150, 15 फोर 60, 30 ये होगी और ये एक होगी, ये किसमें आएगा, यूनिट क्या है, लीटर, ये किसमें है, लीटर में। अब सुनो, अब वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है, स्टॉप राइटिंग, पहले सुन लो, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है,
टैंक का वॉल्यूम होगा एल बी एच, एल बी एच, एल इज 20 × 15 × 6 1800 meter cube, ये लीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर दे, मीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड करेंगे 600 meter cube। अब ये टैंक का वॉल्यूम है, ये वन डे की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो टैंक के वॉल्यूम को वन डे की रिक्वायरमेंट से करेंगे डिवाइड, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1800 / 600, 3 days means the water that is in the tank will last for 3 days. Clear? ये different है question exercise का. L या LT, हाँ वैसे LT लिखी, एल भी लिखा होता है कहीं पे, आप एल टी लिखो। कल देखो मॉर्निंग में क्यों नहीं दी, मैं यहीं पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक गोडाउन है जिसकी मेजरमेंट गिवन है आपको, जैसे सपोज करो रूम जैसा ही है जिसमें हम हैं, ये गोडाउन का डायमेंशन दे रखी है 40 meter × 25 meter × 10 meter। एक वुडन क्रेट है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, जो वुडन क्रेट है वो भी क्यूबॉइड में एलबीएच दिया हुआ है, ये गोडाउन का लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है। गोडाउन मीन्स रूम जिसमें आपने क्रेट्स रखने हैं, कहते हैं इस रूम में कितने क्रेट्स आ सकते हैं, तो क्या करेंगे दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड। अब क्रेट बड़ा है या रूम, तो रूम के वॉल्यूम को क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड। अब वॉल्यूम फाइंड नहीं करना, सीधा लिखना है नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम या गोडाउन जो भी है अपॉन 10 की जगह। हाँ इस क्वेश्चन में ना किसी बुक में 10 है किसी में 15 है, आप बताओ क्या है? मेरी बुक में 10 है, चलो कोई बात नहीं 15 करवा देते, कोई बात नहीं, अलग अलग है ये मेरे को पता है, इस क्वेश्चन में है ऐसे, ये ठीक है। ये क्रेट का वॉल्यूम है, ये रूम का वॉल्यूम है, LBH अपॉन LBH, ठीक है, सॉल्व कर दो, ये डेसिमल रिमूव कर दिए, कितनी जीरोस आएंगी 4, 10,000 आ गया, मैंने सीधा ही लगा दिया 10,000, चलो कटिंग करो 5 1s 5 3s, ये 25 है, ये 125 है, 5s आएगा और 3 से कटिंग हो रही है 5 5 8s, और क्या रह गया 5 1s 5 5 2s 10, 8 2s 16 विद हाउ मेनी जीरोस 3, 16,000 क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन दिस गोडाउन हूज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 8 and 9 बोथ आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इससे पहले नंबर ऑफ डेज वाला किया, वो भी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट है ना, जो थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा ना, न्यू कंसेप्ट होगा, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, तो जिसमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा वो इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, एक मैं वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक आइसक्रीम ब्रिक है
जो क्यूब की शेप में है, एक आइसक्रीम ब्रिक है जो क्यूब की शेप में है, इसकी साइड है 12, सारी 12 हो जाएंगी। कहते हैं इसको ना 8 पीसेस में ऐसे कट कर देना, ये 9 बन रहे हैं, चलो 9 पीसेस सपोज करो, ठीक है, पूरी ब्रिक को ना इक्वली डिवाइड करके 9 पीसेस में कट कर दिया, सबका वॉल्यूम सेम है, बता सकते हो एक का वॉल्यूम क्या होगा? इसके वॉल्यूम को 9 से डिवाइड करो, एक पीस का वॉल्यूम आ जाएगा, सेम है। अब आपको कहता है यहाँ पे एक क्यूब है जिसकी साइड 12 है, साइड ऑफ क्यूब क्या है? 12 है। कहता है इसके इसको ना 8 पीसेस में डिवाइड करना है, जो छोटे वाला पीस बन रहा है उसकी वॉल्यूम बताओ, उसकी साइड बताओ, मतलब इसकी साइड बतानी है, ये जो साइड ये बन रहा है ना, इसकी साइड बतानी है, सारे सेम है, इक्वल है। पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब 12 सेंटीमीटर है, साइड क्यूब दैट इज ए क्यूब, 12 क्यूब क्या होता है? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 12 × 12 × 12 यहीं छोड़ दो। वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 12 × 12 × 12 / 8, क्लियर है? इसके वॉल्यूम को 8 पीसेस से डिवाइड कर दिया, कटिंग कर दो, 4 × 2 = 4 × 3 = 18 × 12 क्या आएगा? ये कर लेना वॉल्यूम फाइंड, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कल।